Hello friends, today we are starting microwave engineering. The term microwave refers to the alternating current signals with frequencies between 300 MHz to 300 GHz. And 300 MHz से 300 GHz के लिए जो frequency है, ऐसे ऐसी signal हैं जिनकी frequency 300 MHz से 300 GHz है, उनके लिए microwave body use करते हैं। माइक्रो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो फेज और फेज है वो वोल्टेज और करंट का वो फिजिकल एक्सटेंट के पूरे डिवाइस जितनी फिजिकल एक्सटेंट है उसका उससे चेंज होते रहते हैं। टिपिकल फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे एएम ब्रॉडकास्ट के लिए अपन 535 टू 1605 किलोहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो के लिए 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। इस तरह से भी सोच सकते हैं, एफएम जो है वो 91 FM, 93.5 FM, 95 FM, 94.3 FM, तो ये जो FM होते हैं वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ही है, इसलिए FM ब्रॉडकास्ट वेव है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ होती है। BHF TV में दो होते हैं, तो 2 से 4 होगा वो 54 to 72 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, BHF TV 55 to 6 हो गया, 76 से 88 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। UHF TV में दो हो गए, सेवन से थर्टीन हो गया, 174 से 260 मेगाहर्ट्ज़, UHF TV 14 से 83, 470 से 8900 मेगाहर्ट्ज़। तो माइक्रोवेव ओवंस के लिए 2.45 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। DTH के लिए KU बैंड में DTH काम करता है, तो बैंड रेंज है वो बैंड किस तरह से हैं, L बैंड 1 to 2 GHz, S है 2 से 4, SC है 4 से 8, X है 8 से 12, KU है K अंडर हो गया जी 12 से 18, K बैंड है 18 से 26, K है 26 से 40, U बैंड है 14 से 60। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन LSEX, KU, K, KU ये बैंड हो गए अपने, तो अपने जो LSEX तो याद हो जाएगा, उसके बाद KU, K और K, K अंडर हो गया, K हो गया और K आफ्टर हो गया और U एंड हो गया। एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव क्या क्या है, एक तो डायरेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बीम विड्थ है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है और लैम्डा इसमें स्मॉल होता है माइक्रोवेव का, तो अपने आप ही इसकी डायरेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा ये है कि बैंडविड्थ अवेलेबल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए बैंडविड्थ भी ज़्यादा अवेलेबल होती है। पावर रिक्वायरमेंट है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में वो लो होती है, माइक्रोवेव रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, जिससे कि फेड इफेक्ट डिक्रीज होता है, इसलिए रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो नॉर्मल कंडक्टर अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें रेडिएशन लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपन मल्टी कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से, एक तो कोएक्सियल लाइन्स हैं, स्ट्रिप लाइन्स हैं, माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स हैं, स्लॉट लाइन्स हैं, कोप्लेलन लाइन्स हैं। तो कोएक्सियल लाइन है उसमें एक तो इनर कंडक्टर होता है, एक आउटर कंडक्टर होता है, तो ये अनबैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन है। डोमिनेंट मोड होता है इसमें, TEM मोड होता है, ये 40 GHz तक अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकती है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे, L इजकल टू म्यू बाई 2 पाई एल एन डी वाई डी हेनरी पर मीटर, और C इजकल टू 2 पाई एप्सिलॉन बाई एल एन डी वाई डी फेराड पर मीटर। ये अपना वो हो गया। इसके बाद अपना है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया वो कोएक्सियल लाइन का, वो RG इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन एल एन डी वाई डी। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो RG इज इक्वल टू 60 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन आर एल एन डी वाई डी ओम। TEM मोड है, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होती हो सकती होती है, इसलिए कोएक्सियल केबल है वो ब्रॉडबैंड डिवाइस है। स्ट्रिप लाइन होगी, स्ट्रिप लाइन लेते हैं वो, तो स्ट्रिप लाइन है वो प्लानर ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी 100 MHz से 100 GHz इसकी रेंज होती है। इसमें डोमिनेंट मोड TEM मोड होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें दिखाई गई हैं। TEM मोड और स्ट्रिप लाइन आई पी इम्पीडेंस रीजन और लो इम्पीडेंस रीजन इसमें होते हैं, वो के इसके WYVYT V-T के रेशियो से डिसाइड करते हैं अपन। हाई इम्पीडेंस रीजन तो अगर WYV-T की अगर 0.35 से कम है, इसको इक्वल बराबर है, तब तो हाई इम्पीडेंस रीजन होगा। TYP भी 0.25 होना चाहिए। इसका Z0 इक्वल जो होता है 60 बाई अंडर एप्सिलॉन एल एन 4B/π d। लो इम्पीडेंस रीजन होगा वो WYV-T की वैल्यू अगर 4.35 से ज़्यादा है, तो ये लो इम्पीडेंस रीजन होगा। अब अपन देखते हैं माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स हैं, जो माइक्रो स्ट्रिप लाइन्स में अनसिमेट्रिक स्ट्रिप लाइन है, ये पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं। इसमें ये TEM वेव सपोर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक रहता है और एयर में अलग अलग रहती है जो इसकी जो वेलोसिटी है, इसलिए फेज मैच नहीं हो सकता, इसलिए इसमें TEM टाइप वेव इसके अटेंड नहीं कर सकते, इसमें
प्रोपेगेट। सो इसे ये क्वासी TEM वेव इसमें प्रोपेगेट होती है। Z0 इसका दिया जाता है 60y अनरूट एप्सिलॉन आर ln LN4HyD, 4H इज ग्रेटर देन D। मोस्ट माइक्रोस्ट्रिप सबस्ट्रेट कंडक्टर लॉस इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन डाइलेक्ट्रिक लॉस। यानी माइक्रोस्ट्रिप लाइन्स में क्या होता है कि जो कंडक्टर लॉस है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस की तुलना में। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं और वीडियोस देखिए। थैंक यू।